नंबर कॉपी करने के बाद से वही नंबर जो है वो पेस्ट करना है। उसको पेस्ट करने के बाद सेंड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन कोड जो है वो आ चुका है। इसको मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। असल में आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ कि आप किस तरह से किसी भी वेबसाइट को यूएसए के नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, या कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसको यूएसए के नंबर से जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि सारे अपडेट आपको डेली बेसिस पे मिलता रहे। अब सबसे पहले यहाँ से मैं RDP को ओपन करता हूँ। अब ये काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, या फिर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पे मैं कोई भी एक वेबसाइट जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सही है। या फिर मैं किसी भी एक वेबसाइट पे जो है अपना अकाउंट जो है वो बना लेता हूँ। जैसे कि ये वेबसाइट है, सही है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जो कि क्लाउड RDP की वेबसाइट है। इसको मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये वाला इंटरफेस जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक टम्प मेल का जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। गो के बटन पे क्लिक करते हैं, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे मेल पे जो है वो वेरिफिकेशन लिंक आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमने ईमेल को जो है वो भी वेरीफाई करना है, उसके बाद लिंक को जो है नंबर को वो भी मैं आपको वेरीफाई करने का तरीका बताता हूँ, सही है, किस तरीके से आप अपनी वेब नंबर किस तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने नंबर से, सही है। हमारा वेरीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपना नाम वगैरह जो है वो सारा फिल कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ तक मैंने अपना नाम वगैरह जो है वो सारा फिल कर दिया। उसके बाद बारी आती है नंबर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक नए टैब जो है वो ओपन करना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है smsreceivefree.com, सही है, ये वाला वेबसाइट आपने सर्च करना है। अगर ये वेबसाइट आपके साथ एक्सेस नहीं होता तो आपने सिंपल सी VPN जो है वो आपने लगाना है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करते हैं तो आपने एक्सटेंशन लगाना है VPN का, कोई भी फ्री वाला VPN आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो आपने प्ले स्टोर से कोई भी एक VPN जो है वो डाउनलोड करके USA से कनेक्ट करना है। अब इसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ, और यहाँ भी आपको यूनाइटेड स्टेट और कनाडा का नंबर जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। ये नंबर एक दिन पहले अपडेट हुआ है, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ यहीं पर। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको मैं ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं ऐसे नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने दोबारा से वही नंबर जो है वो पेस्ट करना है। उसको पेस्ट करने के बाद सेंड के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस वेबसाइट में। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो आ जाएगा, सही है। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन कोड जो है वो आ चुका है। इसको मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को USA के नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए। अब ये वेबसाइट आपके साथ तब एक्सेस होगा जब आप कोई भी VPN जो है वो लगा लेते हो, सही है। सिंपल ब्राउज़र में अगर आप पाकिस्तान का IP यूज़ करके सिंपल ब्राउज़र में जो है इसको ओपन करते हो तो ये ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को जो है किसी भी वेबसाइट को इस नंबर से जो है आपको बहुत सारे नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। इसको आप ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद की जरूरत में इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।